दोस्तों आजकल गेमिंग का कितना क्रेज है, कितना दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है और कितना बढ़ने वाला है, ये तो मुझे, आपको और सबको पता है। दोस्तों गेमिंग का क्रेज तो कई सालों से इस दुनिया में चलते आ रहा है, लेकिन जब से बैटल रॉयल गेम जैसे कि फ्री फायर, पबजी मोबाइल लॉन्च हुआ है, तब से तो इस दुनिया में गेमिंग का क्रेज कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। दोस्तों गेमिंग सबसे ज्यादा इंडिया में ही होता है, यानी सबसे ज्यादा गेम इंडिया में ही खेला जाता है। इसके लिए बड़े बड़े स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड जैसे कि शाओमी, रियलमी, ओप्पो, ये सब इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे गेमिंग फोन्स वो भी कम से कम प्राइस में लॉन्च करने का सोचता ही रहता है और लॉन्च करता भी है। इसके लिए आज इस वीडियो में उनमें से ही कुछ ऐसे बेस्ट 5 फोन आपको बताऊंगा जो आपको 10,000 के अंदर भी मिल जाएगा और आप उसमें बहुत अच्छे से गेमिंग कर पाओगे। दोस्तों ये जितने भी फोन्स रहेंगे आपको 10,000 रुपए के अंदर में मिलेंगे या फिर उसके आसपास में मिल जाएंगे। दोस्तों ये जितने भी पांचों फोन बताने वाला हूँ, सभी फोन्स में आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप और एक तगड़ा गेमिंग प्रोसेसर मिलेगा जो आपको पता है कि गेम खेलने में कितना इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए फोन के बारे में हम अब बात कर लेते हैं। इसमें 5th नंबर पे आता है रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी नार्जो 20। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको Realme Narzo 20 में कौन से फीचर्स यानी कौन से स्पेसिफिकेशंस मिलने वाले हैं। Narzo 20 में आपको 10,000 रुपए के अंदर में IPS LCD वाला डिस्प्ले प्लस 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। साथ ही साथ आपको इस फोन में 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा भी मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। इस फोन में आपको एक तगड़ा गेमिंग प्रोसेसर MediaTek Helio G85 मिल जाता है। दोस्तों साथ ही साथ आपको इस फोन में 6000 mAh का एक बिग बैटरी प्लस 18 वॉट का क्विक चार्जिंग सपोर्ट मिलता है और ये फोन आपको 4GB रैम और 128GB स्टोरेज में मिल जाता है। दोस्तों गेमिंग के लिए Realme की तरफ से आने वाला 10,000 रुपए के अंदर में ये एक बेस्ट स्मार्टफोन है। दोस्तों अगर आप Realme पे ही भरोसा करते हैं और Realme का ही एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं गेमिंग के लिए, तो ये फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों आप इस फोन को आंख बंद करके खरीद सकते हैं। दोस्तों ये Realme Narzo 20 आपको जिस भी वेबसाइट पर सबसे सस्ते में मिल जाएगा, उस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इस फोन को जाके देख सकते हैं। दोस्तों अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, और भी अच्छे अच्छे इससे भी अच्छे 4 फोन आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए उन सभी फोन्स के ऊपर एक नजर डाल दें। सो गाइस हमारे लिस्ट में 4th नंबर पे आता है मोटोरोला का एक फोन मोटो G10 पावर। तो चलिए दोस्तों अभी मोटो G10 पावर के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स यानी उस फोन के इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आपको मोटो G10 पावर 9,500 रुपए के अंदर में IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, प्लस इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। साथ ही साथ आपको इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 का एक गेमिंग प्रोसेसर मिलता है और एक आपको 6000 mAh का बिग बैटरी मिल जाता है। दोस्तों आपको इस फोन में 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। दोस्तों मोटोरोला भी एक बेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है। दोस्तों अगर आपको मोटोरोला की तरफ से एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन वो भी 10,000 रुपए के अंदर चाहिए, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप इस स्मार्टफोन को आंख बंद करके खरीद सकते हैं। और हाँ दोस्तों, पहले की तरह इस स्मार्टफोन का जो सबसे बेस्ट बाइंग लिंक रहेगा, यानी जिस भी वेबसाइट पे आपको ये स्मार्टफोन सबसे सस्ते में मिल जाएगा, उस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी इस वीडियो के नीचे आपको मैं दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों अभी दूसरे फोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी भी 3 फोन्स बचा है, वो भी तीनों इससे बेस्ट है। तो चलिए उन तीनों फोन यानी 3rd नंबर के फोन के ऊपर एक नजर। दोस्तों हमारे लिस्ट में जो 3rd नंबर पे आता है वो Xiaomi की तरफ से एक फोन है Redmi 9 Power। तो चलिए दोस्तों अभी Redmi 9 Power के कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन यानी Redmi 9 Power के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। दोस्तों Redmi 9 Power आपको 10,000 के अंदर मिल जाएगा और इस फोन में आपको एक IPS LCD वाला डिस्प्ले प्लस 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और आपको एक गेमिंग प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 का एक बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर मिलता है, 6000 mAh की बैटरी मिलती है, प्लस 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है और 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज यहां पे आपको देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आपको Redmi की तरफ से एक 10,000 रुपए के अंदर गेमिंग फोन खरीदना है तो इससे बेस्ट तो कोई फोन हो ही नहीं सकता। और दोस्तों इसी की तरह एकदम मतलब सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन वाला फोन है Redmi 9 Prime, अगर आप उसे भी खरीदना चाहते हैं तो उसे भी खरीद सकते हैं। दोनों फोन एकदम लगभग सेम टू सेम है, लेकिन दोस्तों अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसे भी आप आराम से खरीद सकते हैं। इसका बेस्ट बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उस फोन को जाके उस वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो चलिए अभी अपने लिस्ट के 2nd नंबर वाले फोन के बारे में। हमारे लिस्ट में
सेकंड नंबर पर जो फोन आता है उसका नाम है माइक्रोमैक्स इन नोट 1। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम यहाँ पे माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स यानी कुछ धांसु स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपको माइक्रोमैक्स इन नोट 1 10,490 रुपीस यानी 10,500 रुपए में IPS LCD डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और साथ ही साथ सबसे तगड़ी बात है कि आपको इस फोन में मीडियाटेक हीलियो G85 का एक बेस्ट गेमिंग फोन यानी बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर मिलता है। साथ ही साथ 5000 की बिग बैटरी मिलती है और 4GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज आपको इस फोन में मिल जाता है। दोस्तों, इस माइक्रोमैक्स इन नोट 1 को मेरे इस लिस्ट में ऐड करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था कि ये एक इंडियन फोन है। और दोस्तों, इंडियन फोन ही नहीं है, इस फोन में आपको एक बेस्ट फीचर्स भी मिलते हैं। जैसे कि आपको सबसे तगड़ी यानी अभी भी बहुत अच्छा एक गेमिंग प्रोसेसर मिल जाता है, मीडियाटेक हीलियो G85, और साथ ही साथ आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट भी इस फोन में मिलता है। दोस्तों, अगर माइक्रोमैक्स का फोन खरीदना है 10,000 रुपए के अंदर तो ये फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। और हाँ, हर बार की तरह इसका भी बेस्ट बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके इस फोन को जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अभी हम इस अपने लिस्ट के सबसे पहले यानी सबसे बेस्ट फोन के बारे में। दोस्तों, हमारे लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर पे फोन आता है उस फोन का नाम है पोको M3। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो में हम इस पोको M3 कमाल के फोन के कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन यानी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आपको ये फोन आसानी से 11,000 रुपए में मिल जाएगा। इस फोन में आपको IPS LCD डिस्प्ले प्लस 60Hz का रिफ्रेश रेट, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और स्नैपड्रैगन 662 का एक बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर मिलेगा। साथ ही साथ इस फोन में आपको 6000 mAh की बिग बैटरी के साथ 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी और 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये फोन अगर आप 1,000 रुपए ज्यादा खर्चा करके अगर कोई फोन लेना चाहते हैं गेमिंग के लिए यानी 11,000 रुपए तक, तो ये फोन सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको इस फोन में एक अच्छा प्रोसेसर भी मिलता है, अच्छा आपको स्क्रीन भी मिल जाता है और भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आपको इस फोन में मिल जाते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको इन सभी फोन में से कोई फोन खरीदना है तो प्लीज 1,000 रुपए बढ़ा दीजिए और 11,000 रुपए का इस पोको M3 को आप खरीद लीजिए। दोस्तों, ये फोन बहुत ही अच्छा है, इसे आसानी से खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसका भी सबसे बेस्ट बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इस फोन को जाके खरीद सकते हैं। दोस्तों, गेम खेलते खेलते कब हमारे फोन का बैटरी फटाक से खत्म हो जाता है इसका अंदाजा हमें जरा भी नहीं पता चलता। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे क्लिक करते हैं जो स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आपको ऐसे कुछ फोन्स के बारे में पता चलेगा जिसके बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा अच्छा है और आप बहुत देर तक गेम खेल सकते हो। तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट वीडियो पे क्लिक करो।